आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हमने कहा। थोड़ा सा बताइए, यहाँ मतदान केवल पुष्कर धामी के नाम से हो रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नाम पे वो आप मतदान करने आए खटीमा से, आपके जुनून को बहुत बहुत सलाम लग रहा है। जो मुख्यमंत्री है हमारे, ये विजयी हो जाए तो और अच्छा। उत्तराखंड के चंपावत में विधानसभा उपचुनाव पूर्ण रूप से मतदान के साथ संपन्न हो चुका है। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री बीजेपी पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार है, कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी उम्मीदवार के रूप में है। शाम 5 बजे तक यहाँ पर मतदान हुआ और नतीजे 3 जून को आएंगे। सीएम बने रहने के लिए धामी का चुनाव जितना बेहद जरूरी है। दोपहर 3 बजे तक 53% यहाँ पर मतदान हुआ। आपको बता दें, फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन चुनाव का चेहरा रहे सीएम धामी, खटीमा सिंह चुनाव हार गए। इसके बाद सबको चौंकाते हुए चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट खाली की और अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। इस दौरान मतदान के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह की कोई कमी नहीं रही। वहीं एड़ी गुरौली गाँव के केसर सिंह अपने जीवन के 100 साल देख चुके हैं और वर्तमान में अपने परिवार संग खटीमा में निवास करते हैं, जिन्होंने इस उम्र में खटीमा से आकर चंपावत में मतदान किया। और बात करें कुल मतदान की, तो यहाँ पर 64% रिपोर्ट अभी मतदान के सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर, मैं हूँ आपके साथ जीवन बिस्ट, सच वही जो हमने कहा। आज मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट के दुपचौड़ा क्षेत्र में हूँ, जो बूथ नंबर संख्या है 10 है। तो बहुत ही जो यहाँ का जो बूथ नंबर 10 संख्या है, जो दुपचौड़ा क्षेत्र पड़ता है, तो बहुत अच्छी वोटिंग के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा परसेंटेज यहाँ से मिलता है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जो मतदान हो रहा है सर, क्या क्या एक्टिविटियाँ हैं, थोड़ा सा बताइए। यहाँ मतदान केवल पुष्कर धामी के नाम से हो रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नाम पे वो मतदान हो रहा है। सर कितना परसेंटेज करीब हो गया होगा कुछ? अभी कुल मतदान अभी 30% के लगभग हो गया जी। तो सर कितना परसेंटेज आएगा? हम कोशिश तो कर रहे हैं कि 70% के आसपास जाए। अच्छा, 70%। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रवासी भी बहुत आए हुए हैं बाहर से, हाँ उनको भी बुलाया गया है। यहाँ तो 100 साल के भी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, लेकिन उनका आ गया था वोट, लेकिन वो अनुपस्थित थे उस टाइम पे। अच्छा, नहीं तो उनका घर में पड़ जाता। अच्छा, घर में पड़ जाता। हाँ जी। अच्छा, तो ये जनप्रतिनिधि का साफ साफ कहना है कि 70% मतदान होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मतदान करने बहुत दूर से, यानी कि खटीमा क्षेत्र से और पहाड़ में उनका वोट पड़ता है। कम से कम 100 साल की उम्र है इनकी, तो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और प्लस में यह है कि किसी कारणवश जो आजकल सुख सुविधाएं हैं, कि जिनकी जो 80 साल से ऊपर होते हैं उनको घर से ही वोटिंग कराई जाती है, हालांकि किसी कारणवश वो वंचित रह चुके, कैमरा मैन से वो थोड़ा नहीं दिखाइए, तो किसी कारणवश वंचित रह गए होंगे। तो नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। अच्छा, क्या नाम है आपका? केसर सिंह। केसर सिंह, आप फिलहाल अभी कहाँ से आए? मैं खटीमा से। खटीमा से आया, आप मतदान करने आए खटीमा से? आपके जुनून को बहुत बहुत सलाम लग रहा है आपको। ठीक ही लग रहा है। किस सोच के साथ आप वोट देने आए थे? कि हम इन्हें, जो मुख्यमंत्री है हमारे, अच्छा, ये विजयी हो जाए तो और अच्छा है। अच्छा। तो वोट तो घर आकर ये सबने देना चाहिए, चाहे देश हो विदेश से, बाहर से भी आकर वोट दे, वही योग्य आदमी माना जाता है। धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, 100 साल की उम्र में भी इनके जोश को सलाम है।